निकल यहाँ से। अरे जा रही हूँ ना। बच्चन मेरे घर मिला। अरे निकल रे, निकल हो, निकल जी पे। अरे निकल, खबरदार जो कभी यहाँ दिखाई दी कमीनी। थू बढ़िया कमीनी। जमींदार कहते हो अपने आप को? तमाशा हो रहा है यहाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें? जा जा जी, अपना काम कर जा। मेरे तो करम ही फूट। चली रे चली रे जुनून को लिए। ए राजू पान बना दे यार। बना तो रहा हूँ तुम्हारे लिए स्पेशल पान। अच्छा चल चल जल्दी बना जल्दी। क्यों इतना मटकती हो? तेरे लिए तो मुंबई है, ठीक है। चल चल अपना बकर बकर जैसा मुंह बंद रखा कर। शुक्रिया। मेरा बेटा चला गया। अभी क्या कहा लेकिन यही मंजिल होगा। चुप हो जा भाभी, मोर करम चुप हो जा। मैं कहा करम और बेटा चले गए। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। Dr. Alex, always late. Dr. Sia, always on time. Yeah, right. कब पहुंची? Late क्यों गए? अरे यार, आज एक और food poisoning का केस आया और गांव के एक बच्चे की फिर से मौत हो गई। पता नहीं वहां गांव में ऐसी क्या बीमारी फैल रही है कि सिर्फ बच्चे शिकार हो रहे हैं। Don't worry, पता चल जाएगा। हाँ वो तो पता चल जाएगा, डॉक्टर कैनेट जॉयस जो आ रहे हैं। या, वो एक स्पेशलिस्ट है ना, वैसे तुम को लेने जा रहे हो ना। ओए, दैट्स माय कॉफी। क्यों तुम्हारा नाम लिखा? डॉक्टर केनेथ, दैट्स मी। डॉक्टर एलेक्स, हेलो डॉक्टर एलेक्स। ये लो। नमस्ते। कम सर। नमस्ते। I'll sit in the back with you. Okay sir. You first. सर पहले हम हॉस्पिटल में एडमिट बच्चों का चेकअप करेंगे, उसके बाद सीनियर डॉक्टर से मिलेंगे। That's fine. Let's go. You have a great hospital here, everybody. He is Dr. Kenneth Joyce. Hello. Hello. Dr. Henry. Dr. Pamela. Namaste. Namaste. Dr. Ajay. Dr. Ajay, great to meet you. Dr. Jaideep. Dr. Jaideep. And Dr. Sia. Ah, Dr. Sia. Hello, sir. So, Dr. Henry, what's the situation here? हमें पता नहीं चल रहा है कि बच्चे क्यों बीमार हो रहे हैं और इसके पीछे क्या कारण है। डॉक्टर अजय, व्हाट डू यू थिंक?
मुझे तो फूड कंटामिनेशन का केस लगता है, पर सिर्फ छोटे बच्चे ही क्यों इसकी चपेट में आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर फूड पॉइजनिंग का केस है तो फिर इतने दिनों से क्यों रिपीट हो रहा है ये सेम केस? मैं सोचता हूँ कि जो बच्चे have died already from this epidemic, क्या वो दो बच्चे का इलाज हमारे हॉस्पिटल में हुआ था? No, they had been brought here dead. हॉस्पिटल लाने से पहले उनकी मौत हो चुकी थी। पोस्टमार्टम से पता चला कि पॉइजनिंग का केस था। Well, I've come this far, I might as well go take a look at the village for myself. Yeah, sure. And for your assistance, you have Dr. Alex and Dr. Sia with you. Excellent. That'll be great. Ye village kitne door hai? Sir, around 3 hours by car. Aur population kya hai? Sir, ye village mein 500 ke kareeb log rehte honge. 500 approximately. Chhota sa ek gaon hai. यहाँ के सभी लोग किसानी करके अपना रोजगार चलाते हैं। ये गांव वाले बहुत ही साधारण सी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन अभी भी पुराने रीति रिवाजों में जकड़े हुए हैं। बॉल ले बे, ए ले। होती मत जा, खा जाई। चल रे, ओकर माल बताबो। नमस्ते। नमस्ते साहब, बैठिए। लुक, इसको यहाँ क्यों रखे हो? इसकी माँ ने बोला था। फॉरगेट इट। देखा था, तब से डरा हुआ है। पता नहीं, घूम रहा था बाहर बच्चे लोग के साथ, उसके बाद पता नहीं अचानक क्या हो गया। सर, ये कल ही डिस्चार्ज हुआ है। He's out of danger now. Finally. Yeah, nice driving. So, ये रहा आपका गेस्ट हाउस। Words can't describe how I feel about this place. I love the wilderness. I love the jungle. अच्छी जगह। What can be better than a guest house in the middle of nowhere? यहाँ का caretaker मोहन है। No Wi-Fi. No disturbance. Time for you to go. Maybe next week.
Good evening, Doc. Good evening, sir. Hey, good evening. Sit. Thank you. See, you're liking it here now. Excellent. So we're on for tomorrow? Sir, कल आप लोग इंस्पेक्शन में जा रहे हैं एंड सिंस आई वोंट बी एबल टू कम टुमारो सो सी आपके साथ जाएगी. Even better. मैं कल सवेरे आ जाऊंगी और वी हैव टू स्टार्ट अर्ली मॉर्निंग फॉर इंस्पेक्शन. कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? पानी चेक कराएंगे. ओह फाइन, आई विल बी रेडी बाय 8. आई विल बी रेडी बाय 10. व्हाट? Okay, then you take rest. We'll take your leave now. See you later, sir. See you. See you tomorrow. We've got a long day. You get some sleep now. You too. See ya. Good night. Good night. Ah, sir. Round 2. गांव वाले इसी जगह से पानी पीते हैं. Give me the bottle. Check, sir. There. I hope this is not the cause. बस गंदा पानी है. It's gotta be the water. What's that? Chaye, one for you. इनसे पूछते हैं. मेरे दोस्त, कैसे हो? ये तुम्हारा पानी है? हाँ. ये पानी अच्छा है कि खराब है? खराब है. Okay, just ask them. स्कूल के बच्चे भी ये पानी पीते हैं? हाँ, स्कूल के बच्चे लोग पीते ही होंगे ना. अब नजदीक जो है ना, बीमारी फैलती है यहाँ पे, फिर उसकी वजह से गंदा पानी है जो. हाँ, पानी में बहुत गंदगी है पूरे गाँव में. See, sir, what they're saying. It's serious. I think water is the problem, right? Pani mein problem hai, Anji? Even he knows. Pira lenge. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Here is the doctor of the hour. Dr. Sir, what does report say? As per the lab report, sir, hame ye clear hua hai कि गांव के किसी भी कुएं में, नदी, नाले और किसी तरह से भी कोई भी कंटामिनेशन नहीं पाया गया है, जिसकी वजह से कोई भी जहरीली चीज फैलने का कोई अंदेशा हुआ हो. सो रिपोर्ट दिखाओ. इट जस्ट कैन्ट बी. Be.
आप लोग क्या सजेस्ट करते हैं? अभी कुछ बोला नहीं जा सकता। हो सकता है कि कोई बच्चों को जहर दे रहा हो। यू नो, सम साइकोपैथ, यानी किसी पागल का काम हो। मेरे ख्याल से केवल एक फूड पॉइजनिंग का केस है, पर मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि बार बार और हर जगह ये बात कैसे हो रही है। We're gonna have to take permission with every single house, check every single family's food supply. Har ghar ke khan ka inspection hona chahiye. Sir, I will take permission from the concerned department. Good. Do it now. मेरे को मालूम है बच्चे क्यों मर रहे हैं। सर सर, आई टोल्ड यू, इज मैड मैन। बच्चे क्यों मर रहे हैं? सब मरेंगे। सर कम, इज मैड की मत सुनिए। सब मरेंगे। सर प्लीज कम से कम। मैं पागल नहीं हूँ। सबको मार डालेगी। मैं पागल नहीं हूँ। वो सबको मार डालेगी। Cheers. Cheers. So, what do you think? About what? The madman. Could you be onto something? ये गांव वाले कुछ भी विश्वास करते हैं। लाइक जादू टोना, ब्लैक मैजिक। व्हाट, कम ऑन, बकवास। धन्यवाद। बकवास नहीं साहब, सही होता है ये जादू टोना। तुम भी विश्वास करते हो मोहन? हाँ साहब, जब दवाइयां साथ नहीं देती तो ये तांत्रिक और बैगई तो ठीक करते हैं। यहां तक मेरी बिटिया मुनिया का इलाज भी बैगई ने ही किया था। Let's find out. Here comes our expert. Hello, what's up? मैंने कहीं कुछ मिस तो नहीं किया? You guys look very curious. मोहन सर को जादू टोना के बारे में बता रहा था। Oh, really? Interesting. But a fairy tale. Still, I'd like to see what they do. मेरा एक दोस्त है, वो एक रिपोर्टर है। He owns a press and also expertise in such subjects. Why don't you meet him? Well, you tell me, anytime. When can we meet him? Whenever you say, I'll fix up the meeting. Well, we'll get a fat. Zarur? As soon as possible. Yep. मैं इंतजार कर रहा हूँ। Sure, I'll get it done. Okay, sir. We will take your leave now. Thanks for coming. Great having you. आप एक बार दोस्त से बात कर लेना। Sure. Set up that meeting. चलते हैं हम लोग। Good night. Bye bye. 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 Thank you.
statue, Tona. Hindi alphabet. सिया बोलो। हाय एलेक्स। हाँ बोलो। लैब रिपोर्ट आ गई है खाने की, उसमें अभी कुछ नहीं मिला। ओके। डॉक्टर केनेथ को इन्फॉर्म किए? हाँ, डॉक्टर केनेथ से मेरी बात हुई, थोड़े से परेशान से लग रहे थे। कह रहे थे कल रात में उन्होंने किसी औरत को देखा सफेद साड़ी में, जो गेस्ट हाउस में घूम रही थी और पलक झपकते गायब हो गई। व्हाट? कौन थी वो? पता नहीं। और सुनो, शाम को उनको उस रिपोर्टर से मिलवाना है, तुम चले जाओगे ना? ठीक है, मैं उनको लेके चला जाऊंगा। बाय। लो डॉक्टर साहब आ गए। नमस्ते जी। नमस्ते। बिलासपुर में आपका स्वागत है। नमस्ते। बेटा टीका लगा दो। बोलिए डॉक्टर साहब, कैसे आना हुआ आपका? I met a madman. कल ही मैं एक पागल से मिला। वो मुझे कुछ उठी सीधी बातें बता रहा था, यहाँ तक कि मेरे बॉय ने मुझे बताया बाइगा के बारे में। It seems that you have done a lot of research on this topic. आप बता सकते हैं कुछ मुझे? जी, बाइगा के बारे में या जादू टोना के बारे में आपको यहाँ कुछ जानकारी मिल सकती है। जो कुछ मुझे मालूम है और जो कुछ मैंने देखा इतने सालों की पत्रकारिता में, काफी कुछ देखने और सुनने को मिला। इसमें इसका दुखद पक्ष ये भी है कि हिंसा की खबरें ज्यादा आई और कुछ औरतों को टोनी के नाम पे मार दिया गया, और गांव वालों से ऐसी कई अनहोनी घटनाएं सुनने को मिली। कुछ जानकारियां मेरे पास भी हैं जो वाकई में आश्चर्यजनक है। वो केवल आत्मा को जगाने के काम करते। 12 के बाद में ये क्या करते हैं? किसी भी वीरान सुनसान जगह पर जाकर वस्त्रहीन होते हैं। कच्चा धागा का भी इस्तेमाल पहले बांधते हैं वो जगह को, कि जिसमें कोई यहाँ आ ना पाए।
जैसे मरघट है, इस छोर से उस छोर तक बांध देते हैं उसको। ओकर बाद वो ये बाहर के नाटक 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 देखो विधु ने अपन कपड़ा वो गान आगे हो जाते हैं। माल बिखरा करके जमीन में बैठ करके छुपते हैं अपना जो भी यंत्र मंत्र जो है उनके पास में, उसका इस्तेमाल करते हैं। कभी उल्लू का इस्तेमाल करते हैं, कभी कुत्ता का बोली बोलते हैं मरघट से, उसको सिद्धि करते हैं। जब वो आत्मा खत्म होता है तो उसको अपने बस में रखते हैं, फिर वो बस वो आत्मा उसी में डालेंगे। हमको आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उसको दिखेगा कि खड़ा है। जैसे पूरा मंत्र नहीं सीख पाते, आधा बीच में छोड़ देते तो पागल हो, किसी के बाल बच्चे को मारना या किसी को तंग करना, बस यही करना। बहरे भी होते, सावधान रहना। पर्सनली आप क्या सोचते हैं? मैं इस बारे में बिलीव नहीं करता। एलेक्स, यू सी, इन्हें खुद यकीन नहीं है। स्ट्रेंज, इज़न्ट इट? रुकिए साहब, जाया से। वेट साहब, वेट, बोल रहे मुझे कुछ। उसे बोलने दो साहब, वो ना पूरे कपड़े खोल देती है। और शमशान में आग लगाकर आत्माओं को जगाती है, और अपना पेशाब पी लेती है। लेकिन क्यों? हाथ बांध देती है, मार डालती है अपने टोनी से। बहुत डरावनी है टोनी। तुम मुझे क्या दिखा सकते हो? उसका जादू? हाँ, मैं दिखा सकता हूँ। आप आएंगे ना साहब? आप आएंगे ना? आप आएंगे ना? मैं पागल नहीं हूँ साहब, मैं पागल नहीं हूँ। कौन बोलता है कि तुम पागल हो? मैं पक्का आऊंगा। हाँ, बताना मुझे। ओके, आप आएंगे ना? जरूर आएंगे ना साहब। आप बहुत अच्छे हैं साहब। साहब कितने अच्छे, साहब कितने अच्छे। इन्होंने नहीं मारा, टोनी ने मारा है। धन्यवाद। मेरे बच्चे को टोनी ने मारा है। ये वही बच्चे की माँ है। अरे शायद इसका बेटा मारा है। मेरे बच्चे को टोनी ने मारा है ना? मेरे बच्चे को टोनी ने मारा है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चे को टोनी ने मारा है। सब कुछ लुट गया। देखो वहाँ रहती है वो, मेरे पीछे आओ, वो सामने में दिख रहा है उसका घर। Thank you.
पता नहीं इतनी रात को कौन आ गया। क्या हुआ? कौन है ये? चले जाओ यहाँ से। मोहन दरवाजा बंद करो। मेरे पास मुझे कुछ दिखाना है। आपको टोनी से मिलना था ना? यस। चलो तो यहाँ जाओ। झूठ रही
अंदर। मुझे डॉक्टर है वो। चलो। In Africa, and I've seen this in Latin America, but I did not know that they do this here in India. नहीं साहब, ये हमारे इलाके में होता है, छत्तीसगढ़ में। ये तस्वीर कहाँ की है? मालूम नहीं, डॉक्टर सिया? सर, ये हमारे गांव के पास एक जंगल है 2-3 किलोमीटर, वहाँ पे ये सारे जादू टोने होते हैं। हम चाहेंगे कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। जरूर, जरूर। जरूर करेंगे। सर, आई वुड रियली लाइक टू मीट हर आमने सामने। अभी फिलहाल तो वो लापता है, ढूंढते हैं। रास्ता कहाँ जाता है? जंगल की ओर जाता है साहब। जंगल को जाता है क्या? अब साला यही काम रह गया।
अब ते मोर वश में हंस, अब ते हाँ मोर वश में हंस। चाय मार। हाँ। क्या चाहिए? ए छोटू देखता है इसको क्या हुआ? देखता हूँ। देख देख, बहुत दिन से कुछ खाई नहीं है, मुंह में पानी मार। चलिए चलिए। चलिए जल्दी चलिए चलिए चलिए। कैसे आ गई ना हक? क्या सोच रही थी हैं? पूरा गांव में सिरदर्द बना के रखी है बहनचोद, गांव वाले के हाथ में लग जाती ना चीर के रख देते। क्या ढूंढ के देख रही है? माँ की लौड़ी तमाशा बना के रखी है, समझ में नहीं आ रहा तुमको? हाँ? मैसेज मिलते हैं, मैं आ गया। हेलो डॉक्टर, इज शी हियर? हाँ है ना अंदर। चलो सपने में बिलाईहा थी। क्या बोल रही है? बोल रही है साहब कि आपके सपने में बिल्ली आती है। कैट? उसे कैसे मालूम है? ये सच है क्या? क्या अब कभी नहीं आई? मार दे हम। What now? बोल रही है साहब कि अब कभी नहीं आएगी। No. उसकी माने तो उसने उस बिल्ली को मार दिया है। डॉक्टर साहब जो पूछ रहे हैं उसका सही सही जवाब दे। इंस्पेक्टर जी शांत हो जाए, वो गुण लगाना ही है। ठीक है ठीक है। तुम ये सब कैसे करते हो? तई ये सब वो कैसे करतस? नहीं बता पाऊ, यहाँ मोर सिद्धि है। नहीं बता सकती सर। तो क्या ये बीमारी तुम्हारी ही वजह से है? साहब जानना चाहते कि गांव में जो महामारी फैले है
ओकर पाचू कहीं तोर सिद्धि के तो हाथ नहीं है? नहीं साहेब, मैं कुछ नहीं जानत हूँ। क्या करे? उसे छोड़ दो और उसके ऊपर नजर रखो। यही बेहतर होगा, उसमें कोई चार्ज लगाने का मतलब नहीं बनता। धन्यवाद। ओके, सी यू। ए चंद्राकर। जी सर। छोड़ दे उसको। Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, khaini, zarda, etc. or their promotion in any manner. तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। हम रोज 50 नए मरीज देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% मुंह के कैंसर तंबाकू चबाने से होते हैं। ये मुकेश की कहानी है। मेरा नाम मुकेश है, मैंने 3 साल भूखा चबाया, अब मुझे कैंसर हुआ है, अब मेरा ऑपरेशन वाला है, शायद मैं इसके आगे बोल नहीं सकूंगा। अफसोस, मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। खैनी, पान, गुटखा, पान मसाला सब जानलेवा है।
स्टोन ही। मेरी मेहमान। मेरा काम किए कि नहीं? गांव वाले तुझे ढूंढ रहे हैं, यहीं छिपे रहना। हाँ बस मांगने आई हूँ। अच्छा? मैंने अपने सारी गलत आदतें छोड़ दी हैं। ऐसा? कृपा करके मुझे माफ कर दो। ठीक है ठीक है। क्या है ये? ये प्रसाद है। ओ ये प्रसाद नहीं है मोटी, ये मोहिनी है। मोटे के खाते ही मैं इस घर की रानी और तू मेरी नौकरानी। जुगनी 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 जुगनी। हे पिंकी। क्या रे बिरजू, अभी तक इंतजार में है क्या? प्यार जो करता हूँ तेरे से। और पिंकी प्यार करती है सिर्फ पैसे से, मालूम है ना? बिरजू मजा आया? अब तो तू खुश है ना? तेरी मुराद जो पूरी हो गई है। थोड़ी देर और रुक जाती? आज नहीं, आज एक जरूरी काम है। काम? कैसा काम? वो पूजा है ना, उस मोटे जमींदार के साथ क्या खेल खेलने वाली हो? तू तो मेरा आशिक है ना? एक बात बताऊं, किसी को बताना मत।
तेरी कसम। उस मोटे जमींदार को तुम्हें दो तरफे से मारूंगी। पहला वार तो मैं समझ गया, उसमें तो तुम मैं ही हो, फिर ये दूसरा क्या है? जादू टोना बांधेगी क्या उस जमींदार को? हाँ अपनी गांव की टोनी तो फरार है, कैसी करोगी ये जादू टोना? इस जूते को क्या मालूम कि टोनी मेरे घर में छुपी बैठी है। बने बने हो बने बने हो। उस जमींदार के हलवे में मैंने मिला दिया। तेरी मोहिनी जो तूने बनाई थी असर तो करेगी ना। उस मोटे जमींदार का प्यार पैसा एक काम करना पड़े। ये तो कहां पे लेके आई है, बड़ी अजीब सी जगह है। तुम जितने दिन चाहो मेरे घर रुक सकती हो, बस मेरा काम करती रहो, समझी ना? Thank you.
कैसन करबे समझस मुर कमला करबे सबको कमला करबे जिन जिन पर बोलू ऊपर मन के जान लो लेबे कर लूंगी ते हम मोह माया के जाल में फंसे हस आओ मोला बस सिद्धि चाहिए आओ ते हा अगर एला बीच में छोड़बे ता ते पागल हो जाबे या ते मर जा है
सब ठीक है? You probably shouldn't be out here by yourself. There's like tigers and things here. I'm not going to hurt you. It's all right. You know, I'll call the police if you like. कौन है ये? अरे साहब, ये तो पगली है। पगली? हाँ साहब, आप चलिए। इसे यहाँ छोड़ के? इसका तो जंगली जानवर भी कुछ नहीं करेंगे साहब, आप चलिए। चलिए साहब, आप चलिए। साहब आप इतनी रात को कहाँ चले गए थे? मैं आपको ढूंढ रहा था। आप चलिए साहब, वो तो जादू टोना कर करके पागल हो गई है, रात भर भटकते रहती है। देखिए आप बकवास है। हाँ साहब, इसका तो जंगली जानवर भी कुछ नहीं करेंगे। आप जाइए साहब, मैं उसके बाप को बुला के लाता हूँ। मोहन, कहाँ चली गई वो? मैंने तो कहा था साहब कि वो पागल है, वो कहीं भी जा सकती है। आप उसकी चिंता मत करिए, आप अपना टाइम खराब मत कीजिए। अंजू जाओ। महान, महान, मोहन, मोहन। हाँ साहब। सिट सिट सिट। हाँ साहब। सिट। तो तुम्हारा मतलब है कि जो औरत टोनी प्रतापपुरी नकार सकी वो पागल हो जाती है और आपने होश में नहीं रहती? जी साहब, उसे उसने कमरे में बंद करके रखा है और वो वहां अजीब अजीब चित्र बनाते रहती है। मुझे वो सब चित्र देखना है कल ही। ठीक है साहब, मैं बात करके देखता हूं। बिल्ली? बिल्ली फिर से सपने में आई क्या साहब? नहीं, और मैं उस बिल्ली को मारा देखा आ रहा हूं। Amazing, but not possible. How could that be? Tony killed my cat? Joe Billy? मेरे सपनों में आती थी, वो मुझे मारी पारी मिली। गई तो नहीं, तुम लोग के भी बच्चे को मार के खा जाएगी, तब तुम लोग ध्यान दोगे क्या? दीदी कब तक चुप बैठे रहोगे? ए दीदी मेरे दुख को देख, मेरे दुख को देख।
गांव का कोई बच्चा नहीं बचेगा, कोई बच्चा नहीं बचेगा। ये बच्ची को भी टोनी खा जाएगी, तब तक देखते रहोगे क्या? भैया कब तक चुप बैठे रहोगे? कोई घर का बच्चा नहीं बचेगा यदि टोनी को नहीं मारोगे तो। कहीं से भी उसको ढूंढ के लाओ, उसको ढूंढ के लाओ। अरे कहीं तो छुपी होगी, उसको ढूंढो, मारो। अरे अपना काला जादू फिर कहीं बैठकर चला रही होगी किसी कोने में। डॉक्टर साहब मोहन मत चिल्लाओ। डॉक्टर साहब वो पगली का बाप तैयार हो गया अपनी बेटी से मिलाने। जस्ट अ सेकंड, हमें तुरंत चलना होगा। ओके okay. हाँ सर। एलेक्स। हाँ सर। We have permission from the father to meet the mental patient. कौन वो पगली? Yes, the one you call Pugly. ये तो अच्छी बात है सर, तो कब मिलने जाना है उससे? कितने जल्दी आ सकते हो? मैं आप ही के पास आ रहा था सर, give me half an hour. Okay, तुम बाहर जाओ, हम लोग के जाने का इंतजाम करो। ठीक है सर। जल्दी चलो। आइए साहब। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए साहब। कम सर। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी बेटी। बेटी पानी लेके आओ साहब लोग के लिए। जी बाबूजी। ये मेरी जेठ बेटी है, पागल नहीं है, गांव वाले लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। साहब दिन भर ऐसे ही करते रहती है और बस ऐसे ही पड़े रहती है। ये मेरी छोटी बेटी है। धन्यवाद। हमको इससे बात करनी है। वो किसी से भी बात नहीं करती, वो अपनी छोटी वाली बहन को बहुत प्यार करती है और उसी से ही बात करती है। हमको इससे कुछ पूछना है। क्या पूछना है आपको? इसके बारे में पूछना है। आइए। दीदी हुँ? अरे वाह दीदी, कितना अच्छा चित्र बनाया है। That's Tony. कहाँ से सीखा? मुझे भी सिखाओगी? सारे आपने बनाए हैं? ये चित्र दीदी आप ही ने बनाए हैं? अरे वाह, किसका चित्र है ये? चित्र कहाँ से देख के बनाए? She knows where Tony's house is. She's showing us. कहाँ देखा है इसे? हाँ, ये औरत कहाँ है? आप जानती हैं इसे? हमको बताओगी? हमको ले चलोगी वहाँ? ले चलोगी? दीदी दीदी रुक क्यों गई? यहाँ? दीदी दीदी रुक क्यों गई? यहाँ पे रहती है। हेलो कोहे, हेलो कोहे, दरवाजा खोलो। फिर से आ गई। हेलो गाय।
अरे यहाँ तो कोई नहीं है सर। एलेक्स, सर्च एवरी कॉर्नर, वेयर इज शी? फिर दरवाजा कैसे बंद था? हाउ इज दैट पॉसिबल? कुछ भी नहीं है यहाँ तो। एग्जैक्टली, कोई भी नहीं है यहाँ तो। सर, आपने टोनी को छोड़ क्यों दिया? मैं सोचता हूँ वो गलत नहीं है, दैट्स व्हाई। बट सर, वो छिप क्यों रही है? बिकॉज़ शी इज अफ्रेड ऑफ द गांव वाला। कब तक छिपती रहेगी वो ऐसे? जब तक सच समझ नहीं आता, till they know the real reason. Then sir, बच्चों की इस बीमारी का कारण क्या है? But what is the reason? पोस्टमार्टम से पता चला कि पॉइजनिंग का केस था। तो फिर इतने दिनों से क्यों रिपीट हो रहा है ये सेम केस? They had been brought here dead. उन्होंने कुछ तो देखा था। हाय गॉड, के काम का इंस्पेक्शन होना चाहिए। ये चुमार पानी है? It's serious कि गांव के किसी भी कुएं में, नदी, नाले और किसी तरह से भी कोई भी कंटामिनेशन नहीं पाया गया है। हो सकता है कि कोई बच्चों को जहर दे रहा हो, सम साइकोपैथ, यानी किसी पागल का काम। अरे साहब, ये तो पगली है। I've got it. रात वाली औराती साइकियाट्रिक पेशेंट थी। It's not that Tony or black magic that's causing his kid's death. Then sir, what is the reason? आखिर वो बीमारी का कारण क्या है? You think again. What? Oh, मिठाई है जो सिर्फ बच्चे ही खाते हैं। कमाल है। Really? Alex, call up the lab. And tell them candy floss check karo. Jaldi jao jao. Hello, connect me to the lab. Hello. हाँ रितेश, सुनो, जमुनाई गांव में जो बूढ़ी का बाल बेचता है उससे एक सैंपल ले आओ और चेक करके बताओ तुरंत मेरे को कि उसमें कोई पॉइजन है कि नहीं। क्या बूढ़ी का बाल? अच्छा अच्छा अच्छा,
चल ठीक है, मैं चेक कराता हूँ किसी को भेज के, और रिपोर्ट्स आने के बाद तेरे को कॉल करता हूँ। मुझे 2 घंटे में रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, हमारे दिमाग में ये बात ही नहीं आई। सच में यार, उसे कलर से भी पॉइजन हो सकता है। हेलो हेलो डॉक्टर साहब, साहब मैं मोहन बोल रहा हूँ। साहब पगली के बाप ने बता दिया कि टोनी कहाँ छुपी हुई है। मैं कहूँ मैंने टोनी को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। साहब आप वहाँ जल्दी से पहुँचाइए। डैम, क्या हुआ सर? वो लोग टोनी को मार रहे हैं। व्हाट? गो, कम ऑन गो। सी यू, गेट द रिपोर्ट्स। यस, आई विल डू दैट। एलेक्स, हरी अप। कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो। तमाशा बना रखा तुम लोगों ने। बच्चे उसी से हुई बीमारी, अदालत ढूंढे उसको। छोड़ेंगे नहीं किसी को। मेरे घर में छिपी थी वो। I know. It was you. It was you. मैंने नहीं मारा उसको। तूने मारा है उसको। It was you. मैंने, वो मेरे घर में आ गई थी। मैंने नहीं मारा उसको। नहीं। I'll see you afterwards. चलिए सर। एलेक्स,
डॉक्टर केनेथ से बात कराना प्लीज। हाँ एक मिनट। हेलो सर, आपका शक सही था। कैंडी फ्लॉस, जिसे गांव वाले बुड्ढी का बाल कहते हैं, उसी से हो रहा है फूड पॉइजनिंग। वहाँ क्या हो रहा है सर? It's too late. Trent is dead. क्या? हेलो, हेलो। Shit. I was right. Let's go, Bajani Pai. Let's get out of here. You're not going to come to the station and see me off? I don't think so. We'll miss you. See you, doctor. See you later. Sure. Anything else, sir? No, it's okay. This is fine. Okay, sir. Thank you. चला मेरी बीमारी का। डोंट वरी सर, जल्दी पता चल जाएगा। कम ऑन मैन, यू नो आई एम अ डॉक्टर टू। हैव फेथ सर। आई हैव फेथ ऑल राइट। ओके सर, टेक केयर, सी यू सून। सी यू सून सर। यार इतने सीनियर डॉक्टर है और उनके साथ ये क्या बीमारी हो गई जिसका कोई पता ही नहीं चल पा रहा। जब तक सारी रिपोर्ट्स नहीं आ जाती हमको इंतजार करना पड़ेगा। यू आर राइट, अब लैब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर सिया,
आज तुम लेट हो गई और मैं जल्दी आ गया। सिया, क्या हुआ? डॉक्टर केंडेथ के बारे में सोच रही हो? ऐसी क्या बीमारी हो गई उनको जिसके बारे में पता भी नहीं चल पा रहा? पर वो तो एक नेक इंसान है, और उनके साथ ये कैसे? बचने के क्या आसार हैं? टोनी की मौत के बाद वो बहुत बहुत परेशान हो गए थे, और तो और वो अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानने लग गए थे। ये तो उनकी गलती नहीं थी, वो गांव वालों ने ही टोनी को मारा था, और खासकर उस पिंकी की। क्या हुआ उसका? सब छूट गए हैं, बट उस पे अभी चार्ज लगा है मर्डर का। आखिर उसी के मारने से तो टोनी मरी थी। I feel bad for Dr. Kenneth.